कुछ दिन पहले मुझे सड़क पे वॉलेट मिला था। मैं भागे भागे यार जा रहा था क्लास करने के लिए, 7 बजे क्लास करना था, इट्स 7 ऑलरेडी, और समवन लॉस्ट हिज वॉलेट, मतलब ड्रॉप्ड हिज वॉलेट, एंड आई सेड कि सुनिए सुनिए भैया, सुनिए सुनिए, ये रैन ऑफ, बाइक पे निकल लिया जिसमें पैसे थे, इवेंट ऑफ, और फिर जो हुआ अब मैं वॉलेट के साथ अकेला हूँ, इसमें 700-800 रुपए है, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, नंबर भी नहीं है, खोजता हूँ। मैंने उसको चेस किया, मैंने पकड़ने की कोशिश उसको की, चला रहा हूँ भैया 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 चिल्ला रहा हूँ, उसको कुछ नहीं सुनाई दी। अब वो पीछे बैठा हुआ था, उसके आगे में कोई और चला रहा था गाड़ी, उसका वॉलेट स्लिप कर गया। मैं जब वॉलेट मैंने पहली बार जमीन पे देखा, आई इज लाइक लेकिन मैंने लगा नहीं नहीं किसी और का पैसा, मैं परसों पैसा था ही नहीं, काहे का हंसी यार, काहे की खुशी, था ही नहीं, यहाँ पे गिरा। मैंने उसे बोला भैया भैया गाड़ी से दर से निकल गया, और यहाँ पे दो लोगों ने उसका वॉलेट उठाने की कोशिश की, मतलब कि वो बुरे इंटेंशन से नहीं किया था, मैंने गाड़ी घुमाया, वॉलेट लिया, तो उनको लगा मेरा वॉलेट गिरा, फिर वो कहाँ निकल गए गाड़ी में, फिर पता ही नहीं चला, इतना जो देर हुआ, टाइम वेस्ट, उसमें वो निकल गए, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। मेरे साथ ऐसा क्या होता है, मतलब इसमें 20-25 हज़ार होता तो मैं इतना सोचता अभी, 500 रुपए, खैर मजाक कर। कोई लड़का उड़का आया था क्या सर, एक दो तो था। कोई लड़का था क्या, दो तो लड़का होगा, अलग लगाया था कोई, हाँ। गाड़ी पे बैठ के अभी नहीं आया था, बस तुरंत अभी, मतलब 10-15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वो बैंक का कुछ काम करने के लिए आया, कुछ आया है उनका प्रूफ है, मतलब कि कुछ उसका नंबर उम्बर कुछ है, फोन पे वगैरह कुछ क्या कुछ है, अरे क्या कराने आया था, फॉर्म था उसका प्रिंट, फॉर्म भराने आया था, वो वॉलेट गिरा दिया सकता है वो, चला, अरे अब उसका वॉलेट वहाँ गिरा दिया, वो चला गया है, अब हम चिल्ला रहे हैं सुना नहीं, ऐसे नंबर ही नहीं है। अब स्टूडेंट बोलेगा सर आप हमेशा देर आते हैं, अब मैं क्या करूँ यार, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूँ, क्या था, हाँ दो लड़का था, एक पीछे बैठा हुआ था, एक आगे बैठा हुआ था, नहीं वो नहीं। तब पर कुछ फॉर्म वॉर्म कुछ है, प्रूफ वगैरह दिखाइए दिखाइए, बोले पुलिस स्टेशन रहता दे भी देते, आपको जल्दी है जाना है, 7 बजे पहले ही 7-6 हो गया सर, वहाँ से एटीएम से कुछ निकाला गया, पैसा निकाला 500 रुपए है, लेकिन एटीएम से निकालेगा तो फिर अब क्या, वहाँ नया नया लग रहा है, आया था भी एटीएम से पैसा निकाला, अच्छा मेरे यहाँ आया, हेलो, तब तक एक बार उससे पूछ के आते हैं, आप तब तक पूछिए नंबर, कीजिए बात, हेलो, किसी का कुछ सामान गिरा हुआ समझे ना, आधार कार्ड वगैरह गिरा हुआ है, इसलिए पूछे आप, यार क्लास छुटवा देगा ये लोग मेरा, मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब मेरा कुछ खो जाता है, क्योंकि मैं खोने में PhD किया मैंने, तो मैं जब खो जाता तो मैं वापस वही स्पॉट पे जाता हूँ, कम से कम एक बार चेक करने की, क्या पता कोई लेके पता हो, खड़ा हो, या किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, वो आया ही, मैंने इतने घंटे इंतजार किया, मतलब 1.5 घंटे वो नहीं आया। वैसे खोने की अगर बात की जाए तो एक फॉर्म शेल में ड्रॉप करना चाहता हूँ, ऐसे कि मेरा जो एयरपॉड्स था, मतलब एप्पल का एयरपॉड्स प्रो 2, उसका जो केस होता है, बस केस जिसमें रखते हैं, जी हाँ, समझ में तो आ नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा देर हो रहा है अलग से, नंबर यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अगर आएंगे तो कॉन्टेक्ट कर लेंगे, अपना नंबर छोड़ देता हूँ, वॉलेट अपने पास रखता हूँ, पुलिस स्टेशन में कल जाके दे दूँ, भैया नंबर मेरा ले लीजिए, अगर खोजते खोजते आया ना कर लेगा, और प्रूफ अपना दे करेगा, हाँ हाँ लिखिए ना, हाँ बोलिए, कोई आपको लगे कि ढूंढने आ रहा है तो पकड़ लीजिएगा, नंबर दे दिया, आप देखते हैं क्या होता है, मैं निकलता हूँ। जिस दिन मेरा खोया ना, मैं गलती से शॉर्ट्स पहना था और उसमें चेन ओपन था, तो स्लिप करके गिर गया, मुझे लगा अरे इसमें तो फाइंड माई है, एप्पल में तो फाइंड माई होता है, तुरंत खोज लो, मैं वहाँ पे स्पॉट पे गया। उस दिन सुबह को 12 बजे खोया है, मैं रात के 9 बजे तक खोजता रहा, नहीं मिला, फाइंड माई में दिख रहा है मुझे कि वो कहाँ का है, 2-3 लोकेशन दिखता था, मतलब कोई उसको लेके जा रहा है इधर उधर, वो मुझे सब पता चल रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा। 3-4 दिन बीत गए, एक दिन मुझे पता चला कि यहाँ पे एक नए लोकेशन में अखाड़ा यहाँ पे है, बजरंगबली का मंदिर, वहाँ पे वहाँ मैं गया, तो मेरा फोन ऐसे मैंने किया तो कनेक्ट हो गया, एयरपोर्ट मेरा कनेक्ट हो चुका है, जो मेरा खो चुका है, मुझे लगा कि यही आसपास है। मैं सारे रूम में घुस घुस के होटल में जाके प्ले साउंड फाइंड माई करके देखा, कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा अच्छा अगली बार आता हूँ, कल सुबह तो दिखाता हूँ, इस बार तो खोज के रहूंगा कि यहीं पे कनेक्ट हो रहा है। पर मुझे क्या पता था कि अगला टाइम जब वो फाइंड माई में मेरा एयरपोर्ट्स दिखाएगा तो वो कोलकाता में दिखाएगा।
मेरा एयरपोर्ट्स ब्रो का केस कोलकाता पहुंच गया। जब वेस्ट बंगाल मैंने देखा ना, मेरे सारी उम्मीदें तोड़ दी। दो दिन ढाई दिन मैंने देवघर का चप्पा चप्पा छान मारा, सब जगह जहाँ भी दिखता था मैंने देख लिया। पास में चला जाता था, बोलता था पास ही है, कभी पता ही नहीं चलता था। ये फाइंड माय पे रिलाय मत करना यार, ये आपके पास है, घर में है, कनेक्टेड है, ठीक है, एक बार खो जाए ना तो इसका बाप भी नहीं ढूंढ के दे सकता। मुश्किल है, थोड़ा आइडिया आ जाता है, ठीक है, यूजफुल है, समझ में आता है, लेकिन गारंटी नहीं कि मिल ही जाए। तो मुझे तो लगा कि वेस्ट बंगाल में है, अब कभी मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा ही लगा। मुझे ऐसा ही लगा नहीं मिलेगा। हाँ तो नहीं मिला, नहीं मिला। तो आप बोलोगे ये क्या है फिर, ये फिर क्या है? नया खरीदा 10,000 में। इसका केस का अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा। आइए दोस्तों, आपको एयरपॉड्स प्रो 2 केस का अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। आपने यूट्यूब पे ये कभी नहीं देखा होगा। इसमें थोड़ी सी गंदगी लग चुकी है क्योंकि ये साइड में कोने में पड़ा रहता था, पर इसके लिए बड़ी मगजमारी मुझे करनी पड़ी। केस में आपको डब्बा ही मिलता है, सिर्फ केस और कुछ मिलता नहीं है, और इसमें शायद स्टिकर भी नहीं मिलता है। हाँ, ईयर टिप्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो मैंने कभी इस्तेमाल किए नहीं एक्स्ट्रा, और ये पुराना वाला है जो देखने लायक नहीं है, हटा दीजिए। और क्या मिलता है इसमें, कुछ नहीं, ये इंडियन वॉशरूम, खैर कुछ नहीं। बस इसी का था 10,000। आपने सोचा होगा, अरे गधे तुमने नकली केस क्यों नहीं खरीद ली? यहीं पर था एक नकली केस। उस नकली केस में जब एयरपॉड्स डालता था तो उसकी बैटरी घट जाती थी। 100% चार्ज करो तो 20 मिनट में 20% हो जाता। मेरा मानसिक संतुलन चरमरा। इससे पहले मैंने बोला मैं नया ही ओरिजिनल खरीद लूंगा, मेरे बस का ये नहीं। खैर मैं वो याद नहीं करता हूँ कि क्या हो गया कैसे हो गया, जो हुआ सो हुआ। आप सावधान रहे, सतर्क रहे, और 500 रुपये जो उससे मिले मुझे उस वॉलेट से, तो मुझे कितना पड़ा, 9,500 ही पड़ा। मैं और वॉलेट सब रास्ते में देखता फिरूंगा। इसकी भरकाई भी इसकी भरपाई भी तो करनी है, तो यही है। और तभी तो एयरपॉड्स प्रो 2 जो आती थी, मतलब उसका केस सेपरेटली सोल्ड भी नहीं होता था, ओनली रिसेंटली ये सोल्ड होना स्टार्ट हुआ। 10,000 लग गए पर कुछ नहीं, पर लग गए। पर ध्यान देना, मैं तो अब केस कभी पॉकेट में रखता ही नहीं, मैं हमेशा बैग में ही रखता हूँ। वैसे इसके अंदर एयरपॉड्स है ना, यही दास्ता है। मैं तो आंवला खरीदने आया था, मिला नहीं मुझे। जिस आदमी का वॉलेट खोया होगा वो तो सोच रहा होगा बेचारा कि जिसको मिला वाह मजा आ गया 500 रुपये। अरे नहीं कुछ मजा आया, मैं तुम्हारे लिए इतना इंतजार किया, तुम वापस आई नहीं, वापस तुरंत तुमको आना चाहिए, लेकिन उसको पता ही नहीं चला होगा जैसे मुझे। मैं तो सोचता हूँ हर दिन एक व्लॉग बना दूँ, ये खो गया वो खो। अब तो आदत सी। Saudade, eu te matei de fome.